बिरादरानी इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से चंद दिनों से मैं अपने मारूजात पेश कर रहा हूँ। बावजूद इसके कि मुझे खुद बड़ी तकलीफ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितना मेरे बस में है उतना मैं कोशिश कर रहा हूँ। इस मसले का नाम है मसला है ईला। जब अल्लाह तबारक व तआला ने फतूहात अता फरमाई और काफ़ी इलाके फतह हो गए, इस्लाम का अल्हम्दुलिल्लाह बोलबाला हो गया, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजवाज मुतहरात ने इकट्ठे होके सोचा कि हम हजूर पाक की खिदमत में अर्ज करें कि भी अब तो अल्हम्दुलिल्लाह वसाइल ज्यादा है और हमें इखराजात के लिए बिल्कुल वही कुछ चीज मिल रही है जो पहले मिलती थी। अगर हमारे महीने के इखराजात को बढ़ा दिया जाए तो हमें भी आसानी होगी और आपको अब बढ़ाने में तकलीफ भी नहीं होगी। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात नागवार गुजरी। कहा कि हमने तो सब कुछ अल्लाह के लिए छोड़ा हुआ है, वरना तो अल्लाह ने मुझे इख्तियार दिया था कि अगर चाहें तो हम एक सोने का पहाड़ आपके साथ चला देते हैं, और फिर मैं नहीं, मुझे इस दुनिया की जरूरत ही नहीं है, बस मुझे सुबह को मिल जाए शुक्र अदा करूं, न मिले तो फिर आपसे सब सबर करके सवाल करता रहूं, मुझे दौलत की जरूरत नहीं। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज होने के बाद एक बीबी साहबा का बाला खाना था, यानी ऊपर कमरा था एक नीचे था, तो उस ऊपर वाले कमरे में हजूर तशरीफ ले गए और बता दिया कि भी अब मैं एक महीने तक नहीं आऊंगा घर में, न किसी बीवी से बात करूंगा। अब उसका मुख्तलिफ बातें उड़ने लग गई, तो बादशाह ने समझा हजूर ने तलाक दे दी है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु अपनी बेटी के घर में गए, बीवी हफ्सा उनकी बेटी थी ना हजूर की जो बीवी है, उन्होंने कहा देखो मैंने हमेशा तुम्हें डांटा है कि अल्लाह के नबी को तंग न किया करो, अगर तुम्हें ऐसी कोई तंगी थी तो मुझसे मांग लो। और आगे भी तो हफ्सा थी ना, हजरत उमर की बेटी थी, उन्होंने कहा आप हमारे खानदानी मामलात में आप क्यों दखल देते हैं, हम जाने हजूर जाने। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला खामोश होकर चले गए, आगे आए देखा तो मस्जिद में, मस्जिद नबी में और मकाम सुफा पर सहाबा बैठे रो रहे हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने पूछा भी क्यों रो रहे हो, उन्होंने कहा भाई हमारे ये हजूर की बीवियाँ हमारी माएँ हैं, तो शरीफ आदमी की माँ को अगर तलाक हो जाए तो रोएगा नहीं तो क्या करेगा। उन्होंने कहा तुमने हजूर से पूछा, उन्होंने कहा हजूर से पूछने की तो हमें जरूरत नहीं है, लेकिन हजूर बस बाला खाने में बैठे हैं, नमाज के लिए आते हैं उसके बाद चले जाते हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैं वहीं आया जहां हजूर ठहरे हुए थे, मैंने आवाज़ दी तो आपका खादिम बैठा था एक सहाबी,
उसने जाके हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि उमर आला बाब एक उमर आए हैं, दरवाजे पे खड़े हैं। उन्होंने कहा, कोई जवाब नहीं दिया। हजरत उमर ने दोबारा आवाज दी कि मैं मिलने के लिए हजरत आया हूँ, मुझे इजाजत दें। हजरत ने कोई जवाब नहीं दिया। तीसरी दफा हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने जोर से, क्योंकि बड़े जहीर सौत थे हजरत उमर, बड़ी आवाज बुलंद थी आपकी, आवाज दी। हजरत ने कहा, अच्छा उसको आने दो। कहते हैं मैं जब ऊपर गया तो मैं हैरान हो गया कि चटाई पर हजूर सोए हुए हैं, एक पानी का मटका रखा हुआ है और एक सत्तू की पोटली बंधी हुई है, ये सारा कमरे में जायदाद है हजूर की। मैंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दुनिया के जो बादशाह हैं, काफिर हैं, ईसाई हैं, यहूदी हैं, उनकी जायदाद और उनके महल्लात देखें, और आप अल्लाह के नबी हैं, दीन दुनिया के बादशाह हैं। हजूर ने फरमाया, उमर क्या तुम इस बात को पसंद नहीं करते कि लहम दुनिया वलन आखरा, उनके दुनिया में मिले हमें आखरत में मिले, तुम इस बात पर राजी नहीं हो? उसने कहा, मैं इस पर राजी हूँ। वो कहते हैं कि मैंने हजूर से ऐसी बातें की और मैंने फिर एक बात ये भी सोची कि कोई ऐसी बात करूं कि हजूर खुश हो जाए। हजूर उदास पड़े थे। मैंने कहा, हजूर औरतों को आप ही ने तो सर पे चढ़ाया है, हम कुरैशी लोग थे, हम लकड़ी के साथ इनको सीधा कर देते थे, आपने मारने से और उनसे सख्ती करने से मना कर दिया, अब उनका दिमाग खराब हो गया, वो आपको भी परेशान कर रही है। हजूर मुस्कराए, हजरत उमर खुश हो गया कि चलो हजूर की तबीयत थोड़ी सी बहल गई। हजरत उमर कहते हैं, मैंने पूछा, हल तलक था अजवाज आ गया रसूल अल्लाह, क्या आपने अपनी बीवियों को तलाक दे दी? अब मैं नहीं, मैंने तो एक महीने की कसम खाई है कि एक महीने नहीं जाऊंगा। हजरत उमर खुश हुआ, वहीं से बैठे हुए अल्लाह अकबर का नारा बुलंद किया, तो नीचे सहाबा ने भी सुना, वो भी तकबीर के नारे में शरीक हो गए। उन्होंने कहा, हजूर ने तलाक नहीं दी है, तो सब सहाबा मुतमैन हो गए, खुश हो गए। अब बीबी आयशा फरमाती हैं कि मैं तो हजूर के फिराक में रोज एक एक दिन गिनती थी भी, आज कितने दिन हो गए, आज कितने हो गए, आज कितने हो गए। 29 दिन हुए तो हजूर पाक अपने बाला खाना से उतरे, और ये आयत मुबारक, इसको कहते हैं आयत तखयीर। अल्लाह ने फरमाया, अपने नबियों को, बीबियों को इख्तियार दे दें कि तुम्हें दुनिया चाहिए या आखिरत चाहिए। अगर तुम्हें दुनिया चाहिए तो आओ मुझसे तलाक ले लो और दुनिया भी ले लो, और अगर आखिरत चाहिए तो फिर इसी कूद लायमूद पे गुजारा करना होगा। बीबी आयशा फरमाती है कि हजूर पाक सबसे पहले मेरे घर में आए, आयत तखीर उतरने के बाद, क्योंकि सबसे ज्यादा हजूर की मोहब्बत भी तो बीबी आयशा से थी। हत्ता के हजूर ने अल्लाह की दरगाह में अर्ज किया कि या अल्लाह, आपका हुक्म है कि औरतों में अदल करो, मैं सब में अदल करता हूँ, लेकिन अगर किसी की तरफ दिल ज्यादा मायल है तो वो तो मेरे बस में नहीं है। तो जब आए हुजूर तो मैंने कहा हुजूर, आज तो 29 दिन है, आपने तो एक महीने की कसम खाई थी, आपने महीना तो पूरा नहीं किया। हजूर मुस्कराए, फरमाया, आयशा कभी महीना 29 का होता है, कभी 30 का होता है, ये महीना 29 का है। और फिर अल्लाह के नबी ने यह आयात तिलावत की, या अय्युहन नबी कुल अज़वाजिक इन कुंतुन तुरिदनल हयात दुनिया वज़ीनतहा
जमीला। अगर तुम्हें दुनिया की जीनत, दुनिया की दौलत, दुनिया की शौकत चाहिए तो आ जाओ, मैं आसानी से, आराम से, इज्जत से तलाक भी दे दूंगा और आपकी ज़रूरियात जो भी हैं वो भी पूरी कर दूंगा। इन कुंतुन तुरिदिनल्लाह व रसूलहू वद्दारल आखिरा, अगर तुम अल्लाह, अल्लाह के रसूल को चाहती हो और आखिरत को चाहती हो, फिर अल्लाह ने तुम्हारे लिए बहुत बड़ा अजर महफूज रखा है। उसके बाद हुज़ूर ने फरमाया कि आयशा, जवाब देने में जल्दी न करना, इस्तामिरी या बवाक, अपने वालिदैन से मशवरा कर लो। बीबी आयशा कहती है, मैंने कहा या रसूल अल्लाह फी हाजा अस्तामिर अबवाया, इस मसले में मैं पूछने जाऊँ वालिदैन से, इख्तरतुल्लाह व रसूलहू, मैंने आपको, अल्लाह का, अल्लाह को और आखरत को चुन लिया। हुज़ूर खुश हो गए और साथ में बीबी आयशा ने यह भी कहा कि मेहरबानी करके और बीबियों को ना बताना कि आयशा ने क्या जवाब दिया है। हुज़ूर ने फरमाया, आयशा क्या कह रही है, अल्लाह ने मुझे मुअल्लिम बना के भेजा है, अगर उन्होंने पूछा तो मैं बताऊंगा, न पूछा तो फिर मैं नहीं बताऊंगा, मैं कैसे बात छुपा सकता हूं। एक एक बीबी के घर में हुजूर तशरीफ ले गए, सब ने यही पूछा कि आयशा ने क्या जवाब दिया, तो हुजूर पाक ने फरमाया कि ये जवाब का, जो आयशा का जवाब है वही हम सब का जवाब है। हम अल्लाह, अल्लाह के रसूल को चुनते हैं, दुनिया को नहीं चुनते। इसको कहते हैं आयत तखयीर, कि अल्लाह ने ख्याल दिया कि भाई दुनिया चुनो या आखिरत चुनो।